आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल की किसी भी गाना या फिर किसी भी वीडियोस को अपने एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आपको अपने मोबाइल में एसडी कार्ड को लगा लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल में अगर कोई गाना होगा आपने डाउनलोड किया होगा, तो उसे कैसे कॉपी कर सकते हो अपने एसडी कार्ड में, ये बताने वाला हूं। तो देखो, उसे करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, आपके पास फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर नाम से ऐसा कुछ होगा, उस ऐप में आपको यहाँ पर सिंपली चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ स्लाइड कर रहा हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टोरेज यहाँ पर दोनों का दिख रहा है, जो कि स्टोरेज ये है हमारा इंटरनल स्टोरेज का और ये जो एसडी कार्ड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें अगर कोई गाना वगैरह को अपने एसडी कार्ड में ट्रांसफर करना है या फिर कॉपी करना है, मूव करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए देखो आपको करना क्या होगा सिंपली यहाँ से। तो देखो आप फोल्डर वाइज अगर ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि इसमें आपका गाना छिपा हुआ है। तो देखो आपको करना क्या होगा सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चले जाना है अगर आपके पास म्यूजिक का यहाँ पर म्यूजिक वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिंपली टैप करना है। तो देखो आपको अगर ये म्यूजिक इस तरीके से आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है ना, तो आप फोल्डर में ही चले जाना जहाँ पर आपका गाना होगा। तो देखो इसमें यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ एंड जिस गाना को मुझे एस डी कार्ड में कॉपी करना है उस गाना को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे इन सारे गानों को यहाँ पर सिंपली अपने एस डी कार्ड में कॉपी करना है, तो उसके लिए देखो करना क्या होगा आपको, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर गाना को सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से। एंड जितने भी गाना को आपको यहाँ पर चाहिए सिंपली यहाँ पर आओगे, उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा होगा सेंड मोर डिलीट, यहाँ पर सिंपली आपको मोर में जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कॉपी। ठीक है, आपको बस यहाँ पर सिंपली इसमें कॉपी में टाइप करना है एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आपका स्टोरेज इस तरीके से शो हो जाता है। आप देखो यहाँ पर एसडी कार्ड अगर आपने मोबाइल में डाला होगा, एसडी कार्ड यहाँ पर शो होगा, उसमें यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद देखो जिस भी फोल्डर में आपको यहाँ पर डालना है वो फोल्डर में आप डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई नया फोल्डर यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट करना है, तो मोर में जाओगे, क्रिएट फोल्डर में जाओगे एंड जो भी नाम आपका होगा उस नाम को आप यहाँ पर सिंपली दे दोगे फोल्डर में एंड ओके करोगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा एंड यहाँ पर आपको सिंपली ये जो नीचे देख पा रहे हो ना पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट वाले ऑप्शन में टाइप करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा गाना सारा कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड में गाना को कॉपी कर सकते हो। कि देखो अगर आपको अपने वीडियो फोटो को छुपाना है बिना कोई ऐप का इस्तेमाल किए हुए भी आप अपने मोबाइल में उसे छुपा सकते हो। किस तरीके से छुपाना है नहीं पता है तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। एंड हाँ, चैनल ने वो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।